मैं स्वयं व्यक्तिगत बहुत प्रसन्न हूँ, मैं एक राम भक्त हूँ और एजिटेशन भी हम लगे हुए थे उस टाइम पे, और स्वयं मान्य अद्वानी जी का रथ यात्रा में भी मैंने भाग लिया था, और उसके साथ ही साथ लोगों का जो संभ्रम है, लोगों का जो सेलिब्रेशन है, तो अपने आप वो समझ रहे रामलला अपने स्वयं घर आ गया है वापस, तो ऐसे मान के लोग बहुत ही उत्साह से उमंग से ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और मुझे लगता है राम लल्ला भी एक मानव श्रेष्ठ व्यक्ति को, संत श्रेष्ठ को अपने प्रतिष्ठापन पुनर्प्राप्त प्रतिष्ठापन करने के लिए इंतजार कर रहा था, वो नरेंद्र मोदी जी के रूप में वो आ गया और आज ये हो रहा है ये इतिहास में। मुझे लगता है हजारों हजारों वर्ष तक ये इतिहास में रहेगा कि एक सत्संत प्रधानमंत्री बन के ये काम किया है, ये तो राम जी का आशीर्वाद से ही हुआ है ऐसे मैं मानता हूँ। सर, इस राम प्राण प्रतिष्ठान को, रामलला प्राण प्रतिष्ठापन को लेकर कांग्रेस ने काफी सारी पॉलिटिक्स कर दी, यहाँ तक कि यहाँ पर हर राज्यों में छुट्टी दिया गया था लेकिन कर्नाटक में छुट्टी दिया नहीं गया, और साफ तौर पर उन्होंने बताया कि छुट्टी नहीं दूंगा। कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण में, मुस्लिम तुष्टिकरण में विश्वास रखने वाली एक पार्टी है, और ऐसे भी आजकल वो जिससे मार्गदर्शन लेते हैं राहुल गांधी, ये स्वयं कंफ्यूज है, वो हिंदू विरोधी है, तो वो मार्गदर्शन देते हैं सिद्धरामैया को, इसलिए मुझे तो अपेक्षा ही नहीं था, इसलिए मैंने ज्यादा, जब आप प्रश्न पूछते मैंने एक ही बार बोला था देना चाहिए, मुझे पूरा विश्वास था ये देने वाला नहीं है कि ये तुष्टिकरण वाले, तुष्टिकरण का राजनीति करने वाले लोग है, तो इसलिए देने वाले नहीं है, तो मुझे पूरा विश्वास था, तो इसलिए मैंने डिमांड भी नहीं किया था, क्योंकि राहुल गांधी, सिद्धरामैया ये सब लोग हिंदू विरोधी है, ये तो पूरा सब लोग जानते हैं, तो जानने के बाद भी क्यों हमको डिमांड करना, तो इसलिए हम डिमांड ही नहीं किया था। जो डिमांड किया था उन लोगों का प्रतिक्रिया जब पूछा था मैंने हाँ देना चाहिए इतना ही बोला था, इनसे तो अपेक्षा ही नहीं करना, सिद्धरामैया की अपेक्षा करना ठीक नहीं है। सर, अधीर रंजन दास जो विपक्ष के नेता, उन्होंने एक बात कही कि राम को उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी बना के रखा है, राम कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ना, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी राम नहीं है, इसीलिए देश के लोग अपने घर में ही राम आया है, स्वयं श्री रामचंद्र का आगमन हुआ है ऐसे सोच के सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो आप लोग एक सिली माइंड से, छोटे मन से आप लोग कार्यक्रम में नहीं, आपको भी बुलाया था और बहुत पॉलिटिकल पार्टियों को, बहुत लोग, देश और विदेश के विद्वान लोगों को, संत लोगों को, सभी लोगों को बुलाया था, तो आप लोग नहीं आए, आपने तो आराम को तिरस्कार किया, लोग ने अपनाया, हमने तो कुछ नहीं किया। अनुक्षण सुद्दिगळिगागि विस्तार न्यूज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब माडि, होस सुद्दिगळ नोटिफिकेशन गागि बेल आइकॉन क्लिक माडि, लेटेस्ट अपडेट्स गागि www.vistaranews.com वेबसाइट के विजिट माडि, अंगैयल्ले जगत्तिन सुद्दि तिळियलु विस्तार न्यूज कन्नड ऐप डाउनलोड माडि।